जय हिंद। मैं विक्की कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। सो प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए अकाउंटेंसी यानी कि लेखांकन का सैंपल पेपर। टर्म है आपका 2 और वर्ष आपका 2021-22। ठीक है, तो ये आपका सैंपल पेपर है अकाउंटेंसी का। समय इसके लिए 2 घंटे मिलेगा आपको और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका 40 का है। तो इसके अंदर ना हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप एक तरीके से, चीजें तो वैसे इंग्लिश में लिखी गई है लेकिन समझाऊंगा इस तरीके से ताकि कुछ बच्चों के जिनके पास अकाउंटेंसी हिंदी में है उन्हें भी समझ में आ सके। लेकिन अकाउंटेंसी ना इंग्लिश में लेना ही बेटर ऑप्शन होता है, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत भी होती है तो हिंदी में भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं ताकि हमारा समय यहाँ भले ही ज्यादा लग जाए लेकिन पेपर में वेस्ट ना हो। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे 12 प्रश्न यानी कि 12 क्वेश्चन आएंगे। सभी को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 होगा ना वो शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक है, और इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 होगा ये भी शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रकार सेकंड, लेकिन इसमें 3 अंक की होंगी प्रत्येक प्रश्न। फिर आपका 9 से 12 वो होगा आपका लॉन्ग आंसर, ठीक है, और लॉन्ग आंसर में आपको क्या करने है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, तो कुल मिलाकर के आपका 40 मार्क्स आएगा। और अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों, अगर आपकी प्रैक्टिस दमदार है तो आसानी से जितने मार्क्स का पेपर उतने के पूरे आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर है, एक अकाउंटेंसी एक ऐसा पेपर है जिसमें आपके अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 out of 100 यू कैन अचीव इजिली, बट इट टेक्स कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं ज्यादा वक्त ना गवाते हुए। सबसे पहले हमारे बारे में हमसे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है इसका हमें मतलब बताना है। अब एक चीज हमें बता दूं, जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, ये कंप्यूटर इसके 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा हार्डवेयर एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो हार्डवेयर हमारे वो कॉम्पोनेंट्स होते हैं डेट कैन टचेबल एंड वी कैन सी दैम, मतलब जिसे हम छू सकते हैं देख सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे सारे एक हार्डवेयर है जो बने हुए हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, तो एक सामान्य भाषा में अगर मैं बताऊं इन नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन सी इट कैन नॉट बी टचेबल एंड नॉट सीनेबल, मतलब ना ही इसे हम देख सकते हैं ना ही इसे छू सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बाहरी आवरण नहीं होता, ये जो भी हम गैजेट यूज करते हैं ना, जैसे आपका फोन हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, उसके अंदर होते हैं। बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, क्या इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं, तो प्रोग्राम एक प्रकार के वो एप्लीकेशन होते हैं, प्रोसेस होते हैं जो उस गैजेट को चलाने का काम करते हैं। आपका फोन होता है, आप बैक करते हो बैक हो जाता है, किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो वो ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर ही होता है जिसकी वजह से वो इस तरीके से काम करता है, स्क्रॉल होना, अप होना, डाउन होना, बैक होना। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपका एप्लीकेशन के रूप में आता है जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इट्स काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो इन एप्लीकेशन को एक जगह रखता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो आया समझ में सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वही चीज आपको यहां पे लिखनी है। और एक चीज और बता देता हूं, यहां पे जितने भी क्वेश्चन हमारे 12 के 12, उन 12 क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो बड़ा होगा उसको भी समझाऊंगा, पूरा करवाऊंगा नहीं, लेकिन इसके एंड में आपको आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपका 12 का 12 क्वेश्चन खत्म होगा मैं आपको आंसर की भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे इसमें से देख के करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कमेंट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट, व्हाट्सएप पर आइए मैसेज कीजिए, आपको वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे एक्सप्लेन द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन अ प्रोमिसरी नोट। अब जो प्रोमिसरी नोट होता है वो क्या होता है, अगर मैं ये SORY हटा दूं तो बचा क्या मेरा प्रोमिस, यानी कि वायदा पत्र होता है एक तरीके से। ठीक है, अब नोट को हम ये कह सकते हैं कि एक स्लिप होती है ना उस टाइप का, जैसे कि आपने बैंक में देखा होगा डिपॉजिट स्लिप होती है
जिसके अंदर हमें अमाउंट भरना होता है, जिस अकाउंट में डालना है उस अकाउंट का अकाउंट नंबर लिखना होता है, उसका नाम लिखना पड़ता है, डेट डालनी पड़ती है, किस प्रकार के नोट है सारा कुछ मेंशन होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक स्लिप होती है जिसे हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। ये यूज कब की जाती है? ये दो पर्सन में यूज होती है। एक होता है आपका ड्रोवर, ड्रोवर को ही हम मेकर भी कहते हैं, यानी कि वो जो प्रोमिसरी नोट को बनाने वाला। एक होता है आपका पेयर, पेयर कौन होता है? पेयर वो पर्सन होता है जो उसको पे करेगा, यानी पे करने का वादा निभाता है। तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि दो पर्सन होते हैं, एक होता है आपका ड्रोवर जो उसको बनाने का काम करता है, और एक होता है आपका पेई, सॉरी हाँ पेई कह लो या फिर पेयर कह लो, यहाँ पे पे लिखते हैं, पेई जो उसको पेमेंट करेगा। मान के चलिए कि हम दोनों हैं, मेरे पास एक दुकान है, आप आए मेरे दुकान से सामान खरीदा, बट आपके पास पैसे नहीं थे उस मोमेंट पर। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप तो जान पहचान के आदमी हो, एक काम करते हैं, एक प्रोमिसरी नोट तैयार करते हैं। ठीक है, उस नोट में क्या किया हमने, उस नोट में जो आइटम आपने लिया उस आइटम का नाम लिख दिया। ठीक है, जितनी क्वांटिटी लिखी वो क्वांटिटी लिख दी, उस क्वांटिटी का जो प्राइस था वो प्राइस हमने लिख दिया। अब हम दोनों में ये एक रिलेशन बन गया, एक प्रॉमिस बन गया कि आपने ये सामान इस डेट को खरीदा था और आपको इतनी पेमेंट करनी है। तो जो खरीदता है उसे हम, जो बनाता है उसे हम ड्रोवर कहते हैं, और जो खरीद कर पेमेंट करने वाला था उसे हम पेई कहते हैं। ठीक है, पेई कह लो या फिर ड्रोवर कह लो, ठीक है, सॉरी ड्रोई कह लो, ये आपका ड्रोई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, राकेश कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, यानी कि राकेश अब अपने बिजनेस का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, अब पढ़ते हैं क्या क्या बोल रही है। ये बोल रहा है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमारा 8 लाख का है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि क्लोजिंग कैपिटल हमारा 6,20,000 का है, एंड 2,50,000 वॉज विदड्रोन बाय हिम फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज की बात की जाए और कैपिटल में से अमाउंट निकाला जा रहा हो तो वो हमारी ग्रोइंग होती है। आगे बढ़ रहा है, राकेश नीडेड मनी फॉर एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस, राकेश अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, सो ही आस्क हिज वाइफ फॉर हेल्प, तो अपनी वाइफ की हेल्प चाहता है। हिज वाइफ अलाउड हिम टू सेल हर ऑर्नामेंट्स, यानी अपने ऑर्नामेंट्स को बेचने के लिए वो आज्ञा दे देती है, मतलब बोल देती है कि ठीक है मेरे ऑर्नामेंट्स बेच दो और जितना भी पैसा आता है आप उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो। तो उसको 30,000 मिलता है और 30,000 का यूज कर लेता है वो अपने बिजनेस में। अब हमें निकालना है क्या है, हमें प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि साल के दौरान हमारे कितना प्रॉफिट या लॉस होता है हमें वो बताना है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, मैं आपको यहां बता देता हूँ। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल वो मेरी कितनी है, तो क्लोजिंग कैपिटल है मेरी 8 लाख, ये कैपिटल है तो बिगनिंग है ना, क्लोजिंग कितनी है मेरी 6,20,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6,20,000। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, ड्रॉइंग को ऐड किया जाता है, तो यहाँ हम ड्रॉइंग जो पर्सनल यूज के लिए किया गया था उसको ऐड करेंगे, वो कितनी थी हमारी 2,50,000 की। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,70,000, है ना। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो जो 30,000 हमने एडिशनल भी लगाया ना, ये मेरा जो आया 8,70,000 ये आगे का हिस्सा आया जब इसमें हमने ड्रॉइंग को ऐड कर दिया, तो इतना हमारा कैपिटल बनकर आया। अब हमने एडिशनल जो लगाया ना उस एडिशनल कैपिटल को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एडिशनल को माइनस कर दूंगा यानी कि 30,000 को माइनस कर दूंगा 8,70,000 में से, तो मेरा 8,40,000 बचेगा। ठीक है, अब 8,40,000 बचा, उसके बाद क्या बोला उसने, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल को भी हम माइनस करेंगे, वो कितना था हमारा 8 लाख था, 8,40,000 में से 8 लाख गया, बचा कितना 40,000। तो 40,000 क्या है, 40,000 हमारा प्रॉफिट है ड्यूरिंग दी ईयर, यानी कि साल के दौरान हमने 40,000 का प्रॉफिट अर्न किया। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्या कह रहा है, डिफाइन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट्स विद एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है जो डिफाइन करती हो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट्स को। तो हमें ये पता है कि अगर प्रोविजन बना रहे हैं, लेकिन प्रोविजन किसका बना रहे हैं, बैड यानी डाउटफुल डेब्ट्स का, यानी कि हमारे वो ऋण जो हमें लगता है कि भविष्य में डूब सकते हैं, तो उससे बचने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं।
अब हमें पता है कि भविष्य में अगर वो डूब जाएगा तो उससे क्या होगा हमारा, या तो प्रॉफिट होगा, अगर प्रोविजन है तब तो प्रॉफिट होगा, मतलब हमें अभी पता नहीं है कि वो डूबेगा डूबेगा, यानी कि उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, उससे लॉस भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हमारा नेचर ये कहता है कि जो हमारा लॉस और एक्सपेंसेस है उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट करें यानी प्रॉफिट एंड लॉस हमारे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री तो पीएल अकाउंट डेबिट टू, हम बना किस क्या रहे हैं, प्रोविजन बना रहे किसका, डाउटफुल डेब्ट्स का, तो टू लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसके अंदर अमाउंट गिवन ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट गिवन नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, लेकिन ये ध्यान देना इसको फॉर्मेट में करना है। पहले आपका पर्टिकुलर आएगा, ठीक है, फिर आपका डेबिट साइड आएगा, ठीक है, आपका डेबिट साइड आएगा, फिर आपका क्रेडिट साइड आएगा, तो इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा, आया समझ। अब पांचवा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे हम शॉर्टकट में सीपीयू कहते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, उसके प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि उसके बारे में मतलब कैसे काम करता है। तो हमें इतना पता है कि जो सीपीयू होता है ना उसे कंप्यूटर का हार्ट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन फंक्शन होता है, एक प्रोसेसर होता है जो उस कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, और बिना इसके कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं हो सकता। सो वी कैन से अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद इन अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं ना वो पहले सीपीयू में जाता है, उसके बाद वहां पे प्रोसेस होता है एंड देन हमें दिखाई देता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी कि डिस्प्ले होता है। तो सीपीयू के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा सीयू जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और एक होता है हमारा एएलयू। अभी एएलयू क्या होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। देखो मान के चलो ये हमारा सीपीयू है, इसके बीच में यहां पर ना सीयू रहता है और यहाँ पे होता है आपका एएलयू, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका हो जाता है प्राइमरी, ये नीचे वाला जो हिस्सा ना ये होता है इसको कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज, और बाहर होता है आपका एक्सटर्नल स्टोरेज या ऑक्सिलरी स्टोरेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट जो हमारे इनपुट पार्ट होते हैं यानी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारे कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट कंपोनेंट है, उसकी हेल्प से हम फीड करते हैं इंस्ट्रक्शन को, तो वो जाता है सीपीयू में सबसे पहले, सॉरी सीपीयू में जाता है, सीपीयू में कहा सीयू के पास जाता है। सीयू क्या है, तो सीयू कंट्रोल यूनिट एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कार्य करता है। इसको पता है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको एक रिसेप्शन मिला, वहां जाने पे आपने पूछा कि आईसीयू किधर है, ठीक है, या किसी को जरूरत पड़ी कि ऑपरेशन थिएटर हमें ले जाना है ऑपरेशन थिएटर की तरह, या किसी को जरूरत पड़ी कि नॉर्मल जगह जाना है डॉक्टर से थोड़ी बहुत दवाई लेने के लिए, या न्यूरोलॉजिकल के पास जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो सबका जो पार्ट होगा वो अलग होगा, लेकिन वो पता किसको होता है, रिसेप्शन वाले को पता होता है ना कि वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, छत के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर है, या ग्राउंड फ्लोर पे है। तो वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि ठीक है अगर आपका काम आईसीयू वाला है तो आप लेफ्ट चले जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, हमें इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक वैसे ही सीयू का काम भी होता है कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन के अंदर फीड किया है ना तो सीयू उसको देखता है और देखने के बाद डिसाइड करता है कि उसे कहाँ भेजना है, तो वो ऊपर भेज देता है। ऊपर जाने के बाद वहां पे दो डिपार्टमेंट मिलते हैं, एक होता है अरिथमेटिकल, एक होता है लॉजिकल। अरिथमेटिकल जो होता है ना वो गुणा भाग आपका जोड़ घटा यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड सबट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन का जो वर्क होता है वो अरिथमेटिकल करता है, और इसे छोड़कर बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं जो कंपैरिजन वाले होता है वो आपका लॉजिकल यूनिट में होता है। फिर वहां से प्रोसेस करके वो वापस क्या कर देता है, सीयू के पास भेज देता है। फिर सीयू क्या करता है, इसे प्राइमरी मेमोरी में सेव कर लेता है, और जब इसको जरूरत पड़ती है ये वापस प्राइमरी मेमोरी से ले ले करके हम चाहें तो इसी सीयू की हेल्प से जो बाहर एक्सटर्नल मेमोरी है उसमें जाकर के स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो इस तरीके से सीयू आपका वर्क करता है आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, या फिर हम इसके लिमिटेशन बता सकते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन बहुत सिंपल सिंपल, सबसे पहली बात इसका अपना आईक्यू लेवल नहीं होता। ये आईक्यू लेवल किसके काम पे करता है, ये इंसानों का द्वारा जो प्रोग्राम डेवलप किए हुए थे उसके बिहाफ पर काम करता है। कंप्यूटर का अपना आईक्यू लेवल नहीं होता है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, जानते हो ना,
कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती, ये हमारी फीलिंग पे वर्क करता है, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, फास्ट स्पीड, ठीक है, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, लेजिबिलिटी, और ये कभी झूठ नहीं बोलता, हमें ये भी पता है। तो ये जो झूठ नहीं बोलता, ये तो इसकी खैर खासियत होगी, लेकिन बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई है वो उसकी सीमाएं में आ जाती है, लिमिटेशन में आ जाती है। ये चीजें वो है जो आपको खाली बस एक बार देखने की जरूरत है, आपको आंसर आ जाएगा। साथ में चलते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। हमारे पास तीन पार्ट दिए गए हैं और सारे सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस कैपिटल की नेचर के हैं या रिवेन्यू नेचर के, हमें ये पहचानना है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है और ज्यादा आपको डिफाइन करना भी नहीं है, इतना लिखना है। अब ये पूछ रहा है एक्सपेंसेस ऑन व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज, यानी क्या क्या वो खर्चा जो बिल्डिंग को, बिल्डिंग के पेंटिंग के लिए, डेंटिंग के लिए, व्हाइट वॉश के लिए किया गया है ताकि उसको खरीदने लायक बनाया जा सके। अब हमें ये पता है कि जो खर्चा हमने किया वो इसलिए किया ताकि उस बिल्डिंग को हम बेच सके। अब बेचने पर हमें क्या होगी, हमारी जो भी हमारे असेट से इनकम जनरेट होती है ना, वो हमारी कैपिटल नेचर की होती है, ध्यान रखना। जिस भी असेट्स को बेचने पर या फिर उस पर किया गया कोई खर्च होता है तो वो आपका कैपिटल नेचर का होता है। तो इट मीन्स ये हमारा जो है बिल्डिंग पर किया गया खर्च है, इसकी वॉशिंग में, पेंटिंग में, खरीदने लायक बनाने के लिए, तो ये आपका कैपिटल नेचर का आ जाएगा। सेकंड क्या कह रहे हैं, 10,000 खर्च किया गया है न्यू मशीन के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। अब न्यू मशीन हमारी क्या है, असेट्स है। अब असेट्स को कंसिडर करने के लिए खर्चा किया गया, तो ये भी हमारा कैपिटल नेचर का होगा। थर्ड क्या कह रहा है, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000 इनकर्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी कि जो मेरी फैक्ट्री है ना, उस फैक्ट्री की पुताई के लिए मैंने ₹25,000 खर्च किया उसको रिपेयर करने के लिए ताकि वो और बेहतर लगे। लेकिन हमें यह पता है कि 25,000 जो हमने खर्च किया है वो खर्च हमने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग पे किया है, तो जो इनकम मेरी जनरेट हो रही है वो फैक्ट्री बिल्डिंग से नहीं हो रही, वो फैक्ट्री के अंदर जो मैं चीज चला रहा हूँ अपना काम उससे हो रही है। तो बेसिकली वो और बेहतर दिखे, अच्छा दिखे, इसलिए मैंने खर्च किया है, ठीक है, ताकि मेरी रिवेन्यू बढ़े। इसलिए यहाँ पर जो थर्ड वाला पार्ट है ये रिवेन्यू नेचर का है, पहला कैपिटल नेचर, दूसरा भी कैपिटल नेचर, और थर्ड हमारा रिवेन्यू नेचर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है साल के अंत में 31 मार्च 2019 में। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम जीपी निकालते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है कि इसके अंदर ना हम जो क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्या कर देते हैं नॉर्मल, इसमें हमारा ऐड हो जाता है परचेज, ठीक है, या सेल्स कह सकते हैं, परचेज नहीं होगा सेल्स होगा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। और माइनस क्या होता है, कौन बताना चाहेगा, माइनस जब हम क्लोजिंग को ऐड कर रहे हैं ना, तो माइनस हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ जो हमारा फ्रेट होता है, फ्रेट इन पैकिंग हो गया, ये भी माइनस होगा, ठीक है, पैकिंग एक्सपेंसेस हो गया। खैर ये तो चीजें बाद में आएंगी, इसके इससे पहले हमारे क्या क्या चीजें आ सकती हैं हमें उस पर ध्यान देने। ओपनिंग स्टॉक आ गया, फ्रेट एंड पैकिंग आ गया, ठीक है, और जो गुड्स हमने परचेज किया था वो आ गया, यानी कि आपका ये वाला हिस्सा, ये तीन चीजें आ जाएंगी। तो हम ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ हम फ्रेट और गुड्स जो हमने परचेज किया था, गुड्स परचेज जो किया था, इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसे अलग से लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, और इन दोनों को टोटल में से जो आता है उसको इन तीनों की जोड़ से घटा देंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, है ना, एकदम सिंपल, बहुत आसान था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है और बहुत सिंपल भी दिया गया है। अब क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट के साथ हम क्या करते हैं, जो रेंट हम रिसीव किया ना उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, रिसीव किया हुआ, साथ ही साथ क्या माइनस करेंगे, जो मशीनरी, कभी भी असेट्स को बेचने पर जो भी हमारा प्रॉफिट होता है या फायदा होता है हम उसको भी माइनस करते हैं, यानी कि गेन ऑन सेल ऑफ मशीन हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सेल्स ऑफ मशीन, गेन ऑन सेल्स ऑफ मशीन, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बस समझ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि ये वाला हिस्सा,
पे क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाता है। और जो हमने मतलब लोगों की भलाई के लिए जो हमें चीजें मिली हैं डोनेशन में जो रिसीव किया है वो हमारा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, डोनेशन अगर हम दे रहे हैं तो वो प्लस होता है, मिल रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में से रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन और डोनेशन रिसीव, ये माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन मार्शलिंग बैलेंस ऑफ मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि हमें मार्शलिंग की बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करना है, तो इसके बारे में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट से ध्यान रखना। नाइन चलते हैं, क्या कह रहे हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर अज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया ना कुछ गलतियां की गई है और इन गलतियों को रेक्टिफाई करना है, और जहां जरूरत पड़े सस्पेंस अकाउंट बनाने की वहां हमें सस्पेंस अकाउंट को बनाना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना। चलिए फिर शुरुआत करें। बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं क्योंकि शुरुआत करने से ही तो चीजें बेटर होती हैं, राइट। पहला क्या कह रहा है आपसे, पहला आपसे कह रहा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हावेवर रोहन अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड, यानी कि जो रोहन का अकाउंट है वो करेक्टली क्रेडिट किया गया है, तो कमी कहां से पड़ रही है। अब हमने क्या किया, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन हमने उधार में खरीदा है, और अगर हमने उधार में खरीदा है तो फिर एंट्री क्या आएगी, तो बेसिकली जब एंट्री इसकी करोगे ना बच्चा, तो यहाँ पे हमारा एक सस्पेंस, माफी चाहूंगा कि मैंने आपको पहले दूसरा करा दिया, पहले हम पहला करते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, अब क्या किया हमने, सेल किया है उधारी में, पैसा लेकर के नहीं, उधारी में क्या 7,000 रुपये में मोहन को, बट उसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी, मतलब गलत कर दिया, यानी सेल्स बुक हमारा 7,000 से कम हो रहा है और परचेज बुक हमारा 7,000 से बढ़ रहा है, क्योंकि रॉन्ग एंट्री होगी ना, लेकिन जो मोहन का अकाउंट है करेक्टली डेबिटेड किया गया। तो कैसे किया गया, इसका मतलब हमने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट बनाया, तो जब भी सस्पेंस अकाउंट सिचुएशन में बनेगा ना, हमें पता है जो सेल्स होता है, अगर हम चाहे कैश में खरीद रहे हो या फिर हम उधार में खरीद रहे हो, सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड ही होती है। ठीक है, तो डेबिट क्या आएगा, डेबिट आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट इसलिए आया क्योंकि आप हमने गलती की। ठीक है, क्योंकि सेल अकाउंट जो है हमारा सेल वो 7,000 से बढ़ना चाहिए, ठीक है, और परचेज अकाउंट 7,000 से घटना चाहिए, तभी एंट्री हमारी करेक्ट बैठेगी। तो 7,000 से ये बढ़ेगा इसलिए क्रेडिट, 7,000 से परचेज घटेगा इसलिए भी क्रेडिट, अब इन दोनों को टोटल कर देंगे तो डेबिट साइड हमारा 14,000 आ जाएगा, इस तरीके से आपकी ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, बी क्या कह रहा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, अब हमने क्रेडिट परचेज किया, वहां पे बेचा था, यहाँ पे हमने खरीदा था, और परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यानी परचेज हमारा डेबिट में हो जाएगा क्योंकि परचेज हमारा एक एक्सपेंस होता है, लेकिन हमने उधार परचेज किया है किससे, 9,000, और इसकी एंट्री सेल्स बुक में हो गई। बेसिकली बिल्कुल इसी के तरीके से जैसे आपका पहला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन एंट्री अपोजिट हो जाएगी, ये दोनों हिस्सा आपको ऊपर चला जाएगा और सस्पेंस अकाउंट आपका नीचे आ जाएगा बस, और बाकी जो वैल्यू दी गई है उसका ध्यान देना है, तो बहुत आसान है। मतलब सी क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000, अब जो वस्तुएं है ना वो राकेश को 4,000 में जो खरीदी थी वापस कर दी गई, और इसको रिकॉर्ड कर दिया गया सेल रिटर्न बुक में, सेल रिटर्न बुक में, जबकि राकेश का जो अकाउंट है ना करेक्टली डेबिट कर दिया गया, तो फिर गलती कहाँ पे की हमने। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न टू राकेश मतलब हम राकेश को दे रहे हैं, इसका मतलब हमने क्यों दे रहे, क्योंकि हमने उससे खरीदा था, तो अगर हमने उसे खरीदा है तो वो क्या सेल्स रिटर्न में एंट्री होगी, नहीं वो परचेज रिटर्न में जाएगी ना भाई, क्योंकि पहले हमने उसको खरीदा, खरीदने के बाद हम उसको रिटर्न करने हैं, यहाँ रिटर्न फ्रॉम नहीं आ रहा, रिटर्न टू आ रहा, यानी कि राकेश को दे रहे हैं, तो अगर राकेश को अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब हमने पहले खरीदा था, तो ये आपका सेल्स रिटर्न में नहीं आएगा, परचेज रिटर्न में इसकी एंट्री होगी। तो अकाउंट कैसे बनेगा, तो परचेज रिटर्न देखो, जब हम परचेज करते हैं तब तो हमारा खर्चा होता है, लेकिन अगर हम वापस कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट होता है, जितना पैसा हमारे आ रहा है, तो इस हिसाब से जो इसकी एंट्री बनेगी ना
तो यहाँ पे बनेगी आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न हमारा तब होता है जब हमने बेचा है, सेल हमारी क्रेडिट होती है, लेकिन अगर वो वापस आ रहा है तो वो हमारा डेबिट होता है। लेकिन यहां पर हमने क्या गलती कर दी, गलत एंट्री करके, तो इसको हम घटाएंगे, परचेज को हम बढ़ाएंगे कितने से, 4,000 से क्रेडिट करके, और सेल्स रिटर्न को हम घटाएंगे 4,000 से क्रेडिट करके, और सस्पेंस अकाउंट में हमारा कितना आएगा, 4 और 4 8,000 आ जाएगा। ठीक है, अगला सुनो। डी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1,000 वर रिकॉर्ड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। बिल्कुल इसी के तरीके से जैसे हमने सी में किया कि यहाँ पर हमारा परचेज रिटर्न था लेकिन सेल्स रिटर्न में डाल दिया, यहाँ पे हमारा सेल्स रिटर्न है क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम आ रहा है ना, हमको उससे मिल रहा है, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न है लेकिन गलती से परचेज में कर दिया तो सेल्स में करेंगे, तो ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी, ये दोनों डेबिट हो जाएगी और सेल्स वाला हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और एंट्री किससे हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1,000 1,000 और सस्पेंस में आ जाएगा 2,000। अब ई करते हैं, गुड्स रिटर्न टू नरेश। अब गुड्स हमने नरेश को रिटर्न किया 2,000 का, वह रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, परचेज बुक में ही एंटर किया गया, नहीं इसको परचेज में नहीं परचेज रिटर्न में आना चाहिए था, है ना, क्योंकि हम लौटा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न आ रहा है तो हमारा जो परचेज है वो तो कम हो जाएगा ना अपनी वैल्यू से, और नरेश अकाउंट को करेक्टली डेबिट किया गया तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमें पता है कि परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं, तो एक्सेस क्या हो रहा है, परचेज वाला, तो टू परचेज रिटर्न आ जाएगा, टू परचेज अकाउंट आ जाएगा, तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में हमारा सस्पेंस आएगा, तो परचेज रिटर्न कितना था, 2,000, ये भी 2,000, दोनों हमारा क्रेडिट साइड, और सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 4,000 से। इस तरीके से आपकी एंट्री सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, दसवां क्या कह रहा है, ए सेल्स गुड्स फॉर ₹30,000 टू बी ऑन 1 जनवरी 2017, यानी कि ए ने 30,000 का सामान बी को बेचा 1 जनवरी 2017, ये हमारा कैलेंडर ईयर हो गया, एंड ऑन द सेम डे, ठीक है, सेम डे ड्रॉ अ बिल ऑन बी, यानी कि उसी दिन उसने बी के ऊपर एक बिल बनाया, यानी कि बिल वाले चैप्टर से आइए, फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने के लिए। ठीक है, बी एक्सेप्ट एट एंड रिटर्न इट टू ए, बी ने उसे एक्सेप्ट किया और ए को लौटा दिया, हु डिस्काउंट इट ऑन 4 फरवरी, उसने उस पर डिस्काउंट दिया 4 फरवरी 2017 को विद हिज बैंक, अपने बैंक से 18% NM के हिसाब से, द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, यानी जो एक्सेप्टेंस है उसने क्या कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया, द नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक बिंग 200, और बैंक तो करेगा ही करेगा चार्ज क्योंकि वो जो बिल बैंक में दिया गया था वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि पेमेंट नहीं हुआ उस चीज का, तो वहां पे बैंक ने उसको ₹200 का चार्ज काट लिया। अब हमें करना क्या है, हमें इन सवालों के जवाब देने, पहले क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटिंग द बिल। अब हमें क्या करना है, हमें वो अमाउंट जो डिस्काउंट दिया गया था हमें उसको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू कितनी की थी, वैल्यू थी आपकी 30,000। ठीक है, 30,000 की वैल्यू का था आपका वो बिल जो जनरेट किया गया था, अब 18% की दर से हमें क्या दिया गया, वो डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो 18 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, कितने महीने के लिए, तो हम ये देख सकते हैं कि बोला तो गया कि पर एनम। ठीक है, और बिल कब बना था, जनवरी में बना था, और हो कब रहा, फरवरी में, यानी बेसिकली आपका 2 महीने के लिए, तो गुणा में 2/12 आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे ना तो बच्चा आपका आएगा 900, 2 1 2 2 6 12, 6 1 6 6 3 18, 2 0 2 0 जाएगा, 3 3 9, और 0 0 0 यानी कि 900 आ जाएगा, यानी ₹900 का हमने डिस्काउंट दिया था। ठीक है, सेकंड क्या करा, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। अब मैं आपको बता रहा हूं, बस उसको ध्यान दो। अब क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर बी ने ए के द्वारा बनाया गया जो बिल है उसको एक्सेप्ट किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल है वो पेएबल है, बिल्स पेएबल है ना, तो मिलेगा किसको, ए को मिलेगा, तो इस तरीके से जो एंट्री होगी आपकी 2017 जनवरी 1 को ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और अमाउंट डेबिट साइड भी 30,000 से आ जाएगा
और क्रेडिट साइड भी आपका 30,000 से आ जाएगा। और नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग द बिल एक्सेप्टेड बाय बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी फॉर डिस्काउंटिंग द बिल। अब बी के बुक में हमें करना है, हमने यहाँ पे क्या किया था, बी के बुक में किया था, इसी वजह से ए का नाम आया, क्योंकि जिसका हम बना रहे हैं उसका नाम थोड़ी ना आता है, उसने जो किया होता है वो चीज आता है, तो हमने बी के बुक में एंट्री की थी इसलिए ए का नाम आया। अब यहां पर भी बी के बुक में ही एंट्री कर रहे हैं तो बी का नाम तो आएगा नहीं, तो नाम किसका आएगा, नाम किसका आएगा बच्चों, ए का नाम आएगा, राइट। हाँ ठीक है, तो यहां पर आपका ए का नाम ही आएगा, करेक्ट। क्या लगता है आएगा ए का नाम, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी फॉर डिस्काउंटिंग द बिल। जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर जो बिल डिस्काउंट किया गया था 900 रुपए का, वो तो आपका डिसऑनर्ड हो गया, तो इस वजह से इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फोर कह रहा है, व्हाट इज द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल ड्रोन बाय ए। अब जो ए ने बिल ड्रॉ किया था उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, तो वो तो हमारा चेक करते हैं, क्वेश्चन पता चलेगा। 1 जनवरी को बनाया था, सेम ड्रेस ने बी बना दिया, बिल बना दिया, ठीक है, और बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी कि एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया ए को, जिसने डिस्काउंट किया 4/2017 को अपने बैंक से 18% के हिसाब से। तो इस हिसाब से वो बिल जो आपका कंप्लीट होगा वो कब होगा, वो आपका होगा 4 अप्रैल 2017 को, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने आज बना दिया तो खत्म हो जाएगा, नहीं, बी ने जब उसको एक्सेप्ट किया तो उसकी वैलिडिटी उससे कम से कम 2 से 3 महीने तक की होती है बेसिकली। अगला क्या कह रहे हैं, हमें जनरल एंट्री पास करनी है ए के बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2017 में अप्रैल 4 से स्टार्ट करेंगे, पांच जनरल एंट्री ऑन डिसऑनर्ड की एंट्री हमें पास करनी है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए, ए अकाउंट के अंदर। तो एक अकाउंट का हम बना रहे हैं तो हमें पता है कि ए का नाम तो आएगा नहीं, तो नाम किसका आएगा, बी आएगा, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट कितना 30,000, ठीक है, और साथ में चार्ज भी तो लगा है, तो चार्ज भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो चुका है इसलिए चार्ज ऐड हो जाएगा, 30,200 आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना फॉर्मेट में बनाना है इसको, ऐसे मत लिख देना, और फिर उसके बाद नरेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये क्वेश्चन था समाप्त होता है, तो कुल 5 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का था और हमने सारा का सारा सही किया है, इस सब समय पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलते हुए खुशी का ठिकाना नहीं बच्चों का, है ना। अभी क्या है, अब एक और क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी के तरीके से करना जैसे हमने ऊपर वाला किया है, ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करना, बाकी आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत आती है तो चेक करना, लेकिन पहले खुद से करना बच्चों। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, एक्स अ रिटेलर हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट हैज बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी कि इसने प्रॉपर बुक अकाउंट मेंटेन नहीं किया, लेकिन इसके पास कुछ चीजें हैं जो इसके सामने दी गई हैं। अब कुछ पार्टिकुलर हैं, जैसे कि ट्रेड के एडिटर, लास्ट ईयर, पिछले साल कितनी वैल्यू थी और इस साल कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, करेक्ट, ऐसा कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहा है, आगे ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, आगे कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, एंड ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हमें एक ड्राफ्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का एंड ऑफ द ईयर, उस कब करना है, जब इन चीजों को हम उसमें एडजस्ट कर ले, इसकी एंट्री कर ले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सिंपल तरीके से बात है, बिल्कुल ये बैलेंस शीट की तरह ही होता है, मतलब एक तरीके से बैलेंस शीट ही होता है हमारा, ये हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ये हमारी लायबिलिटी अमाउंट असेट्स और ये अमाउंट, ठीक है, यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अब हम ले रहे हैं पिछले साल का, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर डाल देंगे, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल का सबसे पहले एंट्री करेंगे, तो ट्रेड क्रेडिटर, तो जो ट्रेड क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होता है, तो ये किस साइड आएगा, ये आपकी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी किस साइड आएगी, ये आपकी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी किस साइड आएगी, आपकी ये वाली वैल्यू, ठीक है। फिर आएगा लोन,
देखो मैं स्लैश लगा रहा हूँ ताकि अगर मैं जब इसका बताऊं तो उसकी एंट्री यहाँ कर सकूँ, इसलिए लोन फ्रॉम नरेश। अब लोन जो है वो भी हमारी लाइबिलिटी है ना, तो ये भी आपका लाइबिलिटी आ जाएगा, केवल मैं एल लिख रहा हूँ ठीक है। इसके अलावा स्टॉक, ये हमारी असेट्स होती है तो असेट्स में आ जाएगा। फिर आपका कैश इन हैंड असेट्स में होती है। शो फिटिंग, तो शो फिटिंग भी हमारी असेट्स होती है। ट्रेड डेटर असेट्स होती है। बैंक बैलेंस असेट्स होती है। तो ये सारी की सारी हमारी असेट्स थी जो असेट साइड आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा बन गया। अब हमारा बनेगा ये हमने जो बनाया लास्ट ईयर का बनाया, अब हम बनाएंगे दिस ईयर का, यानी कि करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो जो आपका ट्रेड क्रेडिटर है वो आपकी लाइबिलिटी ही रहेगी ठीक है। लोन फ्रॉम नरेश, तो लोन फ्रॉम नरेश आपका लाइबिलिटी साइड आएगा। लेकिन आगे क्या करना है ये तुम, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिछले साल जो हो गया इसलिए हमने नीचे नहीं देखा, लेकिन जब करंट ईयर की बात करेंगे ना तो जो एडजस्टमेंट दी गई है नीचे, हम इसको करंट ईयर में से एडजस्ट करेंगे। पहला क्या करें, हम लोन फ्रॉम नरेश की बात करते हैं, तो लोन कहीं लोन के बारे में कुछ बात कही गई है, तो देखते हैं। यहाँ चौथे पॉइंट पे कहा गया है इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश बट हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर, यानी कि जो इंटरेस्ट था 5% की दर से वो ड्यू तो हो गया लेकिन नरेश ने उसे पे नहीं किया। तो अगर पे नहीं किया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले आपका जो ट्रेड ट्रेड क्रेडिटर था और लोन फ्रॉम नरेश था, इस लोन फ्रॉम नरेश में से हम ऐड कर देंगे आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ठीक है। लोन फ्रॉम नरेश में से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ठीक है। फिर आपका स्टॉक आता है, तो स्टॉक तो आपका नॉर्मली आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं, कैश इन हैंड नॉर्मली आ जाएगा। शो फिटिंग, अब देखो जो शो फिटिंग उसके बारे में बताया इसने, शो फिटिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 780 रुपीज, यानी 780 रुपये से कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा शो फिटिंग कितने का है, 7800 से, 7800 में से 780 को माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या कह रहे हैं, ट्रेड डेटर। अब डेटर के बारे में भी हम बात कही गई थी, इंक्लूड इन द ट्रेड डेटर इज एन इरिकवरेबल बैलेंस ऑफ ₹270, यानी कि डेटर से हमारा 270 रुपये क्या हो गया, डूब गया, तो ये हमारा क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया। जब बैड डेप्ट हो गया तो क्या करेंगे, 4560 में से हमारा 270 को माइनस कर देंगे ठीक है। फिर आपका बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब बचा क्या, बचा आपका ये वाली एंट्री, एक्स हैज ड्रोन 100 पर वीक फॉर हिज ऑन यूज। अब पर्सनल यूज करने के लिए उसने 100 पर वीक निकाला ठीक है, तो 100 हमारा एक हफ्ते का, और कुल मिलाकर के कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। तो 52 हफ्ते के अनुसार हमारा फिर कितना निकलेगा, ये कोई बताना चाहेगा, 5200, 5200। लेकिन यहां पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए होता है करंट ईयर में जो प्रॉफिट किया होता है वो, और जो कैपिटल हमें बैलेंसिंग फिगर से दिया गया होता है, यानी जो कैपिटल। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे कहीं पर भी कैपिटल गिवन नहीं है, ना लास्ट ईयर वाले में और ना ही दिस करंट ईयर वाले में। तो सिचुएशन में करेंगे क्या, तो सिचुएशन में हम कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। तो कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी, तो बहुत सिंपल है। तो उसके लिए हमें क्या, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन होना चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आएगा कैसे, ये कैसे पता चलेगा, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पर तो मैं समझा पाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि फिर हमारा समय व्यर्थ होगा ज्यादा। लेकिन डोंट वरी, मैं उसका आपको मैंने आपको ऐसे कहा कि लास्ट में आपको उसका कोई आंसर मिल जाएगा, तो उसमें से देख के आप अच्छे से और समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज आप कर चुके हो, खाली थोड़ा सा नजर मारोगे चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी आपको ठीक है। बार बार क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। अब यहां पर मैं सिर्फ इतना करूंगा आपके लिए, मैं आपको ये गाइड कर दूंगा कि कौन सी चीजें कहां पर आएगी, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री भी है, तो उसे भी ध्यान देना
ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं डेबिट बैलेंस वाले पार्ट पे। अब जो ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, कैश क्या हमारा असेट्स है, विल रिसीवल असेट्स है, लोन एंड बिल्डिंग। अब जो लोन एंड बिल्डिंग होती है वो क्या होती है, हमारी असेट्स होती है, लाइबिलिटी है, या फिर किस वाले पार्ट में आएगी ये कैसे पता चलेगा। तो जो लोन एंड बिल्डिंग की अगर बात करें ना आपसे, तो वो जहां पे लिखा क्या है, ये लैंड है, इसने गलती की है, ये आपका लोन नहीं है, ये लैंड है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लोन एंड बिल्डिंग साथ में नहीं होते, अगर होते हैं तो उसकी वैल्यू फिर अलग अलग दी जाती है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ये भी हमारी एसेट्स हो जाएगी, फर्नीचर हमारी एसेट्स होगी। डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा वाला पार्ट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। तो डिस्काउंट हम ले नहीं रहे, अलाउ करें, दे रहे हैं, तो हमारा खर्चा हुआ ना, और खर्चे को हम डेबिट साइड शो करते हैं, तो डेबिट साइड आ जाएगा। बैंक चार्जेस भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा, डेबिट साइड। सैलरीज, सैलरीज भी हमारा खर्चा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। परचेज, ये भी हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, तो ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा। सेल्स वाला, परचेज वाला पार्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। स्टॉक हमारा ट्रेडिंग के अंदर आएगा, ओपनिंग है तो डेबिट साइड ही आएगा आपका, ठीक है। सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न की बात करें, जो हमने बेचा वो वापस आया, तो इसकी एंट्री ट्रेडिंग के अंदर होगी, लेकिन क्रेडिट साइड होगी, यानी कि जो हमारी सेल्स है ना, उस सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया जाएगा। फिर आता है आपका कैरिज, अब जो कैरिज है ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, डेबिट साइड। रेंट एंड टैक्सेस, ये हमारा रेंट और टैक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंसेस है। जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाएगा, डेबिट साइड, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स है, बुक डेप्ट, ठीक है। अब बुक डेप्ट जो होता है, ये एक नया चीज आया है, अब नया चीज आया तो इसका मतलब हम क्या करें, इसका छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए बेसिकली। तो फिर ये आएगा किस में, कौन बता सकता है बच्चों, कि जो आपका ये वाला पार्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ, क्या लिखा, क्या है, बुक डेप्ट लिखा हुआ है। तो बुक डेप्ट यानी बुक के उड़ने वाला डेप्ट, तो इस तरीके से ये हमारी असेट्स होती है, ध्यान देना है, क्या होती है हमारी, ये संपत्ति होती है। तो फिर किस में आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा, असेट साइड। बैड डेप्ट तो हमारा पता है लॉस ही होता है, तो अगर बैड डेप्ट है तो फिर अगर ये हमारा नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस भी हमारा डेबिट साइड ही आ जाएगा। फिर आता है आपका कैपिटल, ये लायबिलिटी में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा, क्रेडिट साइड। लोन्स हमारा लायबिलिटी में आ जाएगा। परचेज रिटर्न, अब परचेज को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज हमारा डेबिट साइड था, तो ये भी हमारा डेबिट साइड आएगा। दो तरीके हैं, या तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दो, या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो परचेज हमने लिखा था ना, कहाँ गया ये वाला, इसमें से इस अमाउंट के अंदर से ये वाला अमाउंट माइनस कर दो। सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड आएगा। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, अब जो रिजर्व फॉर बैड डेप्ट है वो किस चीज में आना चाहिए, तो जब का रिजर्व हमने बेसिकली बैड डेप्ट के लगाया, तो बैड डेप्ट का कंसेप्ट अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। लास्ट हमारा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारा किसके अंदर जाएगा, लायबिलिटी के अंदर आएगा। तो अब इससे हमें ये पता चल गया कि कौन सा पार्ट कौन से अकाउंट में आएगा, कौन सा ट्रेडिंग में आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये भी हमने समझ लिया है। अब एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बात करते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो बार होती है, एक होती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और एक होती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, है ना। तो बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा असेट साइड आ जाएगा, और अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। आपको क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट दैट 10% ऑन बुक डेब्ट, यानी बुक डेब्ट जो है ना, इसके ऊपर हमारे 10% का डाउटफुल डेब्ट बनाना है। तो ये है कितना हमारा, 82,740 का है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 8,274 का हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू प्रोविजन हो जाएगा। तो जो बैड डेब्ट था ना हमारा, जिसकी हम बात कर रहे थे, उस बैड डेब्ट के अंदर इस पर निकलने वाला बैड डेब्ट एड हो जाएगा, और ये किस में था, ये पी एन एल के अंदर आता है। पी एन एल के अंदर डेबिट साइड आएगा, और उसी के अंदर इसके ऊपर निकलने वाला जो ये डेब्ट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कौन सा, ये वाला, ये बैड डेब्ट, ये हमारा पहले से गिवन था, जो
आपको दिया गया हो, मतलब एडजस्टमेंट में नहीं, आपको समरी ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो, तो ट्रायल बैलेंस में गिवन दिया गया बैड डेब्ट्स क्या होता है? ओल्ड होता है। तो ओल्ड वाले बैड डेब्ट को हम माइनस करते हैं और न्यू वाले को हम ऐड करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? इन इंश्योरेंस प्रीपेड ₹50। अब इंश्योरेंस प्रीपेड है तो प्रीपेड जो हम पहले दे चुके हैं, तो प्रीपेड तो हमारा असेट्स होता है बेसिकली। फिर ये आएगा किस साइड? तो ये आएगा बेसिकली आपका, हमें ये पता है कि जो प्रीपेड होता है वो हम पहले दे चुके होते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड की बात करें तो इंश्योरेंस था क्या इसके अंदर? इंश्योरेंस बिल्कुल था। कितना था? 750 था। अब इंश्योरेंस हमारा 750 था, तो ये बताओ बच्चों कि इंश्योरेंस हमने लिखा किस साइड? क्या हमने इसको ट्रेडिंग उसमें डाल दिया, क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर हमने लाइबिलिटी में डाला? तो हमें ये पता है कि इंश्योरेंस हमारा इस प्रकार का खर्चा होता है। तो अगर खर्चा होता है तो इसका मतलब हमारा किस में आएगा? PNL अकाउंट के अंदर आएगा, डेबिट साइड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब आगे क्या कह रहे हैं? रेंट आउटस्टैंडिंग। अब जो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? ₹150 है। तो रेंट हमारा क्या होता है? अपने ने यहाँ पे देखा कहाँ है हमारा रेंट वाला भाग? रेंट वाला भाग किधर है? सेल्स रिटर्न, ये रहा रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, ये हमारा रेंट एंड टैक्सेस हमारा डेबिट साइड आ गया था। किसकी? ये आ गया था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो जो आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है ना, ये उसके साथ ₹150 ऐड हो जाएगा। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू एट द रेट 6% पर एनम। अब जो आपका लोन था उस लोन के ऊपर 6% पर एनम की दर से हमें क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट हमारा उसमें से ऐड हो जाता है, यानी कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा लोन था ना, वो लोन को हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग के रूप में। वो हमारे किस में आ जाएगा? लायबिलिटी में आ जाएगा। ये चीज ध्यान देना बच्चों। सो इस प्रकार से आपका जो ये वाला कंसेप्ट है ना, ये भी आपका क्लियर होता हुआ हमने ये समझ लिया कि इसमें से कौन सा चीज ट्रायल में आएगा, कौन सा प्रॉफिट में आएगा, कौन सा बैलेंस शीट में आएगा और किस साइड आएगा, ये भी समझ लिया। और इस एडजस्टमेंट एंट्री की क्या एंट्री होगी, ये भी हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा आपका समाप्त होता होगा, यानी कि 12 के 12 क्वेश्चन हमने अचीव कर लिए समाप्त के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत सारे अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश भी की ताकि एक भी डाउट आपके पास ना रहे। तो चलिए अब मैं आपको धीरे धीरे से स्लाइड करके आंसर की भी शो कर देता हूं। अगर आप देखना चाहें तो इसी में से उतार लीजिएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, अपने आंसर को मेल कर लीजिएगा या फिर आप हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए तो आपके लिए आंसर की भी तैयार है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, उस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। ठीक है, देख लीजिए, आपको समझ लीजिए, वो प्रोमोजी नोट के बारे में मैंने आपको समझा दिया था, उसका आंसर ये रहा। आप उसको वीडियो को पॉज करके चाहे तो उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आपका ये रहा जो हमने बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हमारा जो 40,000 का प्रॉफिट आया था ये रहा। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन, हमने डाउटफुल डेब्ट्स की एंट्री की थी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डेबिट हो जाता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारा क्रेडिट हो जाता है, अमाउंट नहीं दिया गया था इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, पांचवा सीपीयू के बारे में, इसका पूरा डेफिनेशन दिया गया है। इसके दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये भी है, और किस तरीके से काम करते हैं मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया। अब जो इसकी एडवांटेजेस थी हमारी कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की, वो ये है कि स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, रियल टाइम यूजर इंटरफेस, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, स्केलेबिलिटी और लेजिबिलिटी, ये हमारी एडवांटेज है अगर हम कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके लिमिटेशन के बारे में बात करें तो कॉमन सेंस नहीं होता, जीरो अकुलेबल होता है, फीलिंग नहीं होती, डिसीजन मेकिंग में कमी आती है क्योंकि हमारे डिसीजन पे काम करता है, हमारी इंटेलिजेंस पे काम करता है, इसकी खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन वाला था। फिर सातवा हमने पढ़ लिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था दूसरा भी, और तीसरा वाला हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ठीक है, ये भी समझ लिया था, अब देख लीजिए। फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, फॉर्मूला हमारा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस फ्रेट एंड पैकिंग और गुड्स परचेज, इन तीनों को ऐड करने पर जो आया, इन दोनों को ऐड करने पर जो आया
उसको इन तीनों के ऐड करने से माइनस कर दिया, तो जो हमारा आंसर आया 45,000 आया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। आठवें में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था, इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन माइनस हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर दिया जाता है, और डोनेशन जो हमने रिसीव किया होता है वो, हाँ रिसीव किया होता है वो आपका माइनस हो जाता है। सो इस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 93,000 आता है। अब इसके ऑप्शन में मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, वो इस तरीके से बताई गई है, आप देख लो एक बार। जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट आपको मार्शलिंग से रिलेटेड आ जाए, किसी और की भी आ सकती है, लेकिन करना कैसे है आपको वो आइडिया लग जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। अकाउंटिंग का पेपर में सबसे ज्यादा मजा आता है, और मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट होता था जब मैं 12th क्लास में था, 11th में था, एक तरीके से नई थी, समझ कर भी नहीं समझ में नहीं आया था। 9 देख लीजिए, एंट्री मैंने आपको सारी समझा दी थी, ए बी सी की भी। ये आपका डी है, ये आपका ई का है, 10वें का हमने निकाल दिया था, जो हमें निकलना था डिस्काउंट हमने 900 रुपये का दिया था। फिर बी की बुक में एंट्री कर दी थी हमने, थर्ड की कोई एंट्री नहीं बनती थी। चौथे का हमने पता दिया थी 4 अप्रैल तक वो वैलिडिटी रहेगा बिल, और फिर ए के बुक में हमने एंट्री कर दी थी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब बिल हमारा डिसऑनर्ड हो गया था 4 अप्रैल। उसके बाद 15,000 पर ये हमने कुछ निकाला था ना, याद नहीं, कोई भी क्वेश्चन हमने सेकंड वाला हमने किया नहीं था, वो मैंने आपको करने के लिए दिया था शायद इसलिए। और ये उसकी एंट्री है, ठीक है, जैसे पहला वाला हमने किया इसके ऊपर वाला, वैसे नीचे वाला ही है, बस पॉइंट्स के जो वैल्यू है वो बदल गया, बाकी सारी चीजें सेम ही है। 11वां हमने समझ लिया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया था पहले पिछले साल का, उसकी एंट्री हमने कर ली थी, ठीक है। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया हमने करंट ईयर का, हमने इसके अंदर एंट्री के साथ साथ जो एडिशनल चीजें थी उसको भी एडजस्ट कर लिया था, ठीक है। और इस तरीके से हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकाला था, इसमें से कैपिटल ऑफ द करंट ईयर हमारा इतना निकल कर आया था, ड्राइंग को हमने ऐड कर दिया था, 100 रुपये हफ्ते का था, तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 5,200 आ गया था। फिर इसमें से कैपिटल जो पिछले महीने, सॉरी पिछले साल का था, माइनस कर दिया था, तो जो हमारा साल के दौरान प्रॉफिट बनकर आ गया था। और ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया है, डेबिट और क्रेडिट पार्ट, ये आपका डेबिट वाला पार्ट हो गया, ये आपका क्रेडिट वाला पार्ट हो गया। वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कि कौन से वैल्यू कौन से साइड आएगी और कौन से अकाउंट के अंदर आएगी, वो सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई है। देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एक साथ बना दिया गया है, इसलिए ये इतना लंबा बना है, ठीक है। फिर आपका बैलेंस शीट आ जाता है 31 मार्च 2017, फॉर्मेट हमें पता है लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट। फिर इसके अंदर की जो असेट्स वैल्यू वैल्यू है, क्रेडिटर लोन, इंटरेस्ट ऑन ऑल लोन आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, कैपिटल के अंदर जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल करके आता है, नेट प्रॉफिट कौन सा वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा, वो ट्रेडिंग में जो निकल के आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं उसको, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट को माइनस करते हैं। अगर हमारा क्रेडिट ज्यादा होता है डेबिट कम तो नेट प्रॉफिट, अगर हमारा डेबिट ज्यादा होता है क्रेडिट कम तो नेट लॉस आता है, तो नेट लॉस को हम माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और ड्रॉइंग को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है इस तरीके से। और बाकी कैश एट बैंक, बुक डेब्ट था, ठीक है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट था हमारा ओल्ड वाला, वो माइनस कर दिया, बिल रिसीवेबल एड नॉर्मली आ गया, बाकी सारी चीज नॉर्मल ही हमारी आ गई। अब प्लांट एंड मशीनरी को बजट इंश्योरेंस था प्रीपेड, वो 5,500 रुपये हमने अलग से लिख दिया, क्योंकि हमारी ये असेट्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इस तरीके से हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी एंट्री 2 बार हुई थी, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में असेट साइड, तो फिर इस तरीके से दोनों हमारा मैच होता होता है, और अगर ये मैच हो गया तो हमारे आंसर पूरे के पूरे पक्के। सो इस तरीके से ये आपका समाप्त होता हुआ, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।